हेलो व्यूअर्स, मैं डॉग फार्म इंडिया में गाइस आपका वेलकम करता हूँ। गाइस अभी आप देख सकते हैं, अभी शाम का वक्त हो गया है एंड शाम का वक्त होने के बाद गाइस अपने छोड़ने का टाइम हो जाता है मेरे डॉग्स को। सो अभी आप देख सकते हैं मैंने डोर तो ओपन कर दिया है, यहाँ पे कूलर जो लगा रहता है वो बंद हो जाता है एंड उसके बाद जो शाम का टाइम आता है उसके बाद हम डॉग्स को पूरा ओपन छोड़ देते हैं। दोपहर भर यहीं पे रहते हैं डॉग्स, काफी गर्म रहता है। सो गर्मी के कारण ये काफी शैतान है, इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे आसपास भी घूमे। सो यस, ये देखो क्या आवाज है, हाँ क्यों आवाज हो रहा है। सो ये है बात गाइस की, छोड़ लेने के बाद काफी एनर्जी रहती है इनमें एंड काफी मस्ती करने का मूड भी रहता है। सो अभी मैं तो यहीं पे खड़ा हूं, तो उस वजह से अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो अपना अपना काम करते हैं, बिकॉज इनका रहता है कि मेरे पास किससे पहले आना है। सो ये तो अभी हो गई मस्ती का इनका टाइम। ये देख सकते हैं गाइस, एक फीमेल डॉग जो काफी एजेड है, लगभग 10 साल के आसपास है। सो उसे पैर में भी प्रॉब्लम है, सो हमारे पास आई है वो एंड उसकी कुछ मेडिसिन चल रही है, तो अभी हम मेडिसिन उसे दे देंगे एंड यस अभी ये देखिए ये मस्ती खोर, ये इनकी जोड़ी जबरदस्त है, काफी मस्ती करते है दोनों। रूबी देन ब्लैकी, जो बॉक्सर है वो ब्लैकी है। सो यस गाइस, ये है सीन। यहाँ से फिर हम यहाँ पे अभी फिलहाल तो ये कंपार्टमेंट में चलो अभी ऐसा है गाइस, सब सारे के सारे साथ में एडजस्ट हो गए हैं। सो यस, सारे के सारे एडजस्ट होने की वजह से गाइस सारे हम साथ में छोड़ सकते, बट वही अगर दो डोमिनेंट मेल रहते सो हम उन्हें साथ में छोड़ नहीं पाते थे। सो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा फार्म का व्यू है, यहाँ से डॉग्स छूटे बराबर छूट जाते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे पूरा ओपनली घूमते हैं। सो यस, अभी इन्हें थोड़ा सा मैं गीला भी करूंगा, यहाँ पे अभी प्ले टाइम रहेगा इनका, ये तो काफी खेलने वाले हैं यहाँ पे। सो सो यस, ये गुरु है, ये भी हमारे पास अभी भी आया है एंड इसे भी हमने ओपन छोड़ दिया है ताकि गाइस ये भी घुले मिले एंड नो आवाज। सो यस, ये थोड़ी शाय है रूबी, आजा, ये थोड़ी शाय है, अगर आप देखेंगे काफी शायद है, इसे थोड़ा सा मनाना पड़ता है, इसे तब तक मनाए नहीं तब तक वो पास में नहीं आती है, ऐसा इसे थोड़ा सा मनाने के बाद ये फिर पास में आना शुरू हो जाती है। बट वही मेरे आसपास भटकने से थोड़ा सा वही डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे आसपास ना भटके एंड ये देखिए पूरा पैक पीछे पीछे आता है। सो यस, सारे के सारे साथ में रह के, ये इसे तो बिल्कुल बंद होना पसंद ही नहीं है, ये यहाँ पे सबसे एजेड एंड सबसे डोमिनेंट आप बोल सकते हैं, जिसे बंद होना बिल्कुल नहीं पसंद, जिसे पानी बहुत पसंद है, जहाँ भी पानी रह गया यहाँ वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। सो यस, एंड ये है लिली, लिली रिट्रीवर, सबसे शांत, सबसे मासूम आप बोल सकते हैं। यस, एंड ये गुरु है, गुरु इज द गुरु ऑफ द लॉट। यस, एंड पानी, पानी के बिना कैसा, अभी यहाँ पे पानी भर जाएगा पूरा फ्रेश एंड उसके बाद सारे डॉग्स पानी में खेलना शुरू कर देंगे। सो यस, ये था गाइस इवनिंग का मेरा टाइम डॉग्स के साथ। आप ये देखिए उस दिन का जो मैं वीडियो डाला उसको सोशल कर रहा था, अभी मैंने उसे लीश के बिना छोड़ दिया है एंड लीश के बिना छोड़ देने के बाद अभी वो हो गया है काफी फ्रेंडली सबके साथ। सो यस गाइस, यहाँ पे क्योंकि डोमिनेंट मेल वही एक है, दूसरा ये डॉबरमैन का मेल है, सो एंड तीसरा ये मेल है। सो यस, ये तो अभी छोटे है दोनों, बट उसका डोमिनेंस चलेगा यहाँ पे, उसे कोई कुछ बोल नहीं सकता। सो यस, एंड देखिए गाइस, इसे थोड़ी तकलीफ होती है, ये उतना चल फिर नहीं सकती है अच्छे से, बट ठीक है, रह रही है एंड फ्रीली रह रही है। उसके शायद से उसे गाइस पैरों का प्रॉब्लम है, उस वजह से हमारे पास तो सिर्फ कुछ दिन के लिए मेहमान ही है वो। सो उसे भी जितना फ्री एनवायरनमेंट मिला उतना बेटर है। सो यस गाइस, ये है हमारा पैक, अभी भूख तो लगी होगी सबको, अभी भूख का अभी तो इवनिंग के 5-6 बजे है। सो भूख का ऐसा है कि जैसे ही
सात या आठ बज जाएंगे, हम इन्हें देंगे आज, शायद से आज इन्हें डिनर चिकन और राइस का मिलेगा। सो यस, बॉइल्ड चिकन एंड राइस आज का डिनर रहेगा। सो एग्जैक्टली डिनर रूटीन इनका कैसा रहता है एंड किस तरह से हम उन्हें एग्जैक्टली इतने डॉग्स को हम एक साथ खाना देना एंड बिना झगड़े के देना किस तरह से होता है, सो गाइस वो भी ट्रिकी है, किस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, सो वो भी एक ट्रिक का ही एक ट्रिकी है जो गाइस आपको देखने में मज़ा आएगा, बिकॉज किसी डॉग को मैं बांधता नहीं हूँ एंड कुछ करता नहीं हूँ खाना देते वक्त, उसकी अलग ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, सो वो आपको दिखाऊंगा एंड पता चलेगा। ठीक है गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग गाइनिकल स्पेट्स पार्क, सॉरी गाइनिकल स्पेट्स पार्क हमारा फर्स्ट चैनल है, कीप वॉचिंग गाइस डॉग फार्म इंडिया एंड इसी तरह के ब्लॉग्स एंड डॉग्स के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन गाइस आपको साथ मैं शेयर करते रहूँगा एंड कीप वॉचिंग डॉग फार्म इंडिया गाइस।